नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए एसएससी जीडी का बैच नंबर लेके आ चुका है। मिशन एसएससी जीडी मुख टेस्ट नंबर हमारा 3 है। इस 3 टेस्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 25 पेपर्स क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल्स आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार है तो स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा है विटामिन सी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। इन प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए अगर आपको पता है तो। चलिए दोस्तों, विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले के अंदर पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आंवला, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्रश्न का उत्तर क्या है, आंवला। करेक्ट आंसर इज आंवला, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दो नंबर प्रश्न से पहले, अगर आपको दोस्तों हमारी टीम की ओर से एक प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो 50 मॉडल पेपर सेट ₹199 आपको पे करना होगा। ₹199 में परीक्षा तक के अंदर आपको टेस्ट दिए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट, जिसके अंदर आपकी रैंकिंग बताई जाएगी, कौन सी रैंकिंग है, कितने सही है कितने गलत है। कंप्लीट 199 है, 94 61 0 41 363, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी, तो हमारी टीम आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा देंगे। अभी 80% डिस्काउंट दे रखा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाइए और हमें कॉल कीजिए, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको हाथों हाथ ज्वाइनिंग करा दी जाएगी टेस्ट सीरीज के अंदर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। दोस्तों मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, ये सवाल पूछा गया है। यस, क्या बात है दोस्तों, इस मच्छर के द्वारा जो रेबीज रोग है वो नहीं होता। क्या होता है, रेबीज रोग नहीं होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ में हमारी एप्लीकेशन, जो हमारा वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा, नीचे भी आपको बहुत सारे टेस्ट क्वेश्चंस, आपको फ्री पीडीएफ्स वगैरह भी देखने को मिलती है, तो वहां से भी आप रीड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा। चलिए देखिए एक अगला क्वेश्चन से इन कथनों के ऊपर विचार करना है, जो 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किसी राज्य में विधानसभा परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी होनी चाहिए। दो नंबर क्या कह रहा है, उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद के नाम से निर्देशक करता है। तो दोस्तों इसमें क्या, न तो ए सही है न बी सही है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, जल्दी से बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्या बात है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर सारनाथ में दिया, कहां दिया, सारनाथ में दिया था उपदेश। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, कौन सा होता है, डी होता है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, 6 नंबर, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्य मानी जाती है। चलिए दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने, ये भी सही, लेकिन ये गलत होगा। पूछा है अमान्य, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कोई लाभ पद ग्रहण किया हुआ हो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय भारत का वायसराय जनरल कौन था, बताइए जल्दी से। यस, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था। संगम काल में निम्न में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था,
जल्दी से बताएंगे। यस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे रट लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बार पूछा गया, तो ये चीज आपको रट लेनी है। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों का घटक है। दोस्तों मौद्रिक नीतियों के बारे में पूछा है, तो मौद्रिक नीतियां एक तो आपकी बैंकिंग दर है और उसके साथ साथ में आपकी खुली बाजारी कार्रवाई, ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर दो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन यानी सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल दे रखा है, कलन की पुस्तक राज तरंगनी का विषय कौन सा है। दोस्तों एक राज तरंगनी पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में पूछा गया है, इसके लेखक के बारे में पूछा गया है, लेखक कौन है कलन, और कलन ने इसे कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, क्या लिखा गया, कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। औषधि चट्टानों का निर्माण होता है, दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि औषधि चट्टानों का निर्माण होता है, हमने कल भी इसके संबंध में प्रश्न पढ़ा था, सभ्यता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों के परिणत होता है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। दोस्तों तत्व की बात करें तो तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, केवल मुद्रा का मूल्य से घटना, क्या मूल्य में घटना, केवल मुद्रा के मूल्य से गिरावट, ये घटना आपको ध्यान में रखना है। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है, क्या बात है, गरीबी का इनका जो किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर है विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, क्या है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, यह है दोस्तों उपरोक्त सभी, क्या क्या है। यस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या, गंगा, दोस्तों गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यस राइट आंसर यमुना है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल है, चंबल कौन सी, चंबल, चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बनास है, तो ये ध्यान रखना बनास, तो ये देखिए यमुना और यह गंगा, और गंगा कहाँ चलती है, गंगा चलती है बंगाल की खाड़ी, कहाँ चलती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर चलती है। चलिए निम्न में से कौन सा, क्या देखिए वैश्विक तापन का प्रभाव होता, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए आपका सबसे पहले बर्फ का जमाव क्या होता है, बर्फ का जमाव बिल्कुल देखिए बर्फ का जमान है ये, बिल्कुल इसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये तो आपका कट गया। समुद्र तल के ऊपर उठना, यस राइट आंसर है, महासागरीय धारा की, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, ए और बी और सी आपका राइट आंसर है। किस ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है, अरुण ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है, अरुण ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरुण ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या है, दोस्तों जर्मनी के अंदर जो सरकार की जो मुद्रा होती है ड्यूसमार्क, क्या है, ड्यूसमार्क आपका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविशिष्ट देश कौन सा है, 20 नंबर प्रश्न, यस इसका राइट आंसर कौन सा है, मलेशिया, क्या है, मंगोलिया, सॉरी मंगोलिया आपका राइट आंसर, क्या है, मंगोलिया। आग बुझाने में गैस का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों आग बुझाने के लिए पूछा गया, और आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पौधे उत्सर्जन करते हैं, दोस्तों पौधों के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली गैस का नाम क्या है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं, कौन करते हैं दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यस इसका राइट आंसर है बी, क्या है, बी। चलिए उसके बाद देखेंगे केलो माइंस एक आवश्यक है, किसका है, केला, केला माइंस एक आयसक है, तो ये दोस्तों आयसक है जिंक का, किसका है, जिंक का।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी यकृत में संचित नहीं होती है? दोस्तों 25 में से आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये हमारी प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, एसएससी जीडी से संबंधित चल रही है, 50 मॉडल पेपर सेट है, प्रैक्टिस सेट है 199 के अंदर, कितने 199 के अंदर है 50 पेपर सेट है दोस्तों। और एक पेपर सेट को आप 5 से 10 बार करेंगे तो दोस्तों आपके 500 पेपर सेट कितने रुपए में, 199 रुपए के अंदर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाएंगे, और हमारे हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दे रखे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से जाकर मैसेज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 94-61-041-363, 94-61-041-363। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए, और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है उसको भी फॉलो करें, वहां से भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।